इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में टाटा मोटर्स ने हमेशा इनोवेशन के बाउंड्रीज को पुश किया है। सियरा और सफारी जैसे क्लासिक्स को वो वापस लाए हैं मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, लेकिन अब सुनने में आ रहा है एक और लेजेंड टाटा सुमो की वापसी हो सकती है। याद है टाटा सुमो? वो स्ट्रेंथ, स्पेस और वैल्यू फॉर मनी वाली गाड़ी 94 में लॉन्च हुई थी और सिटी की रोड से लेकर टफ टेरेन्स तक सब जगह छाई रही। फैमिलीज और बिजनेसेस दोनों को ही पसंद थी। छोटी बड़ी हर ट्रिप के लिए परफेक्ट। इंडिया में एसयूवी का क्रेज तो अब बहुत बढ़ गया है। लोग चाहते हैं स्पेस, पावर और वो गो एनीवेयर एटीट्यूड। अब सोचिए एक मॉडर्नाइज्ड टाटा सुमो जो बूमिंग एसयूवी मार्केट को दब करे और अपने आइकॉनिक स्टेटस से कंज्यूमर नॉस्टैल्जिया और ब्रांड लॉयल्टी को कैप्चर करे। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और पोटेंशियल इको फ्रेंडली ऑप्शंस के साथ एक न्यू टाटा सुमो बजट फ्रेंडली 7-सीटर एसयूवी बन सकती है जो अर्बन और रूरल मार्केट्स के लिए परफेक्टली सूटेड हो। अगर प्राइस रुपीज 10 से 15 लाख के बीच हो तो न्यू सुमो महिंद्रा बोलेरो और फोर्स गुरखा जैसे कंपेटिटर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग खड़ी हो सकती है और बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स को अपील कर सकती है। टाटा मोटर्स की कमिटमेंट फॉर इनोवेशन और क्वालिटी इंश्योर करती है कि न्यू सुमो एनहांस्ड परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी ऑफर कर सके अपने रगेड लुक्स के साथ ट्रू रहकर, अपने आइकॉनिक पास्ट को प्रेजेंट डिमांड्स के साथ ब्लेंड करते हुए एक मॉडर्न टाटा सुमो ड्राइवर्स के लिए एक रिलायबल कंपेनियन बन सकती है। तो क्या टाटा मोटर्स को इस लेजेंडरी एसयूवी को वापस लाना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।